यहाँ पे बिल्कुल साथ ही, और फिर ये जितने सहाबा यहीं पे शहीद हुए और इनके मज़ारात यहाँ पे ही हैं। मजीद जो है मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे जो आज मेज़बान हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि क्योंकि वो रिसर्चर हैं तो वो मज़ीद हम बताएँगे कि इनके बारे में। सहाबा है जब हजरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के मदीना तैयबा की तरफ तशरीफ लाए, उस दौरान बड़े बड़े लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाएंगे, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे। वहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे, लेकिन वो गरीब थे। इस वजह से उनको ये गुमान में गुजरा कि कहाँ मैं छोटा सा इंसान और कहाँ हजूर दो जहाँ के कोनों मकान का मालिक मेरे घर में कैसे तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हजूर को शुरू से लेकर आज तक गरीबों से मोहब्बत रही है और गरीब ही जन्नत में पाए जाएंगे। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी दरवाज़ा बंद करके तशरीफ़ फरमा हो गए, लेकिन हजूर जान आलम ने ऐलान किया कि मेरी ऊँटनी जहाँ पर रुकेगी बैठेगी मैं वहाँ पर ही उस घर में तशरीफ़ रखूँगा। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की खुशकिस्मती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाज़े पर रुकी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बने। फिर ये इतने जलीलुल कदर सहाबा थे कि इन्होंने कई हदीस मरवी हैं इनसे, रावी हैं, और फिर इन्होंने कई जंगों में हिस्सा लिया। फिर ये मदीना से चले और यहाँ कुस्तनतुनिया, तो हजूर ने कहा कि जो बंदा कुस्तनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करेगा वो जन्नत के ग्रोहों में से ही ग्रोह होगा। इसी ज़िमन में हज़रत अय्यूब सुल्तान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी भी जंग की गरज से मदीना से हिजरत करके इस्तांबुल तशरीफ लाए। आपने यके बाद जीवन फतह किया, लेकिन फतह तो ना हो सके, लेकिन आपको शहादत की माशाल्लाह मौत मिल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि मैं आज हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इर्द गिर्द जो करीब जो मज़ारात हैं इनमें हज़रत जो बड़े जयल सहाबा कराम हैं जो हदीसे पाक भी लिखा करते थे, हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला उनका ये मज़ार शरीफ है। इनके साथ जो है ना तकरीबन 10-11 जो उनके नाम इधर मेंशन नहीं है, और ये सारे जो सहाबा कराम हैं ये 10-11 के करीब हैं। तो आज हम इधर आए हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इनको इसी तरह सदा जन्नत के बागों में ये रहे, और हमारे लिए भी ये दुआ के लिए हमारे लिए मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह की तरफ से हमें भी इसका अजर मिले। अस्सलामु अलैकुम। ईगल न्यूज़ के साथ मियाँ मोहम्मद सफदर, इस्तांबुल, तुर्की।